हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि हम 3 रुपये में टोम्बो मोनो इरेज़र कैसे बना सकते हैं। इसके लिए बस हमें एक इरेज़र की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको कहीं भी मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। और जो मेरा टोम्बो मोनो का इरेज़र था उसकी लीड ख़त्म हो चुकी है। अब मैं मार्केट में लेने जाता हूं तो इसकी लीड बहुत एक्सपेंसिव मिलती है। क्या होता है कि कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बार बार ख़रीदना, उनके लिए ट्रिक बहुत अच्छी है। सबसे पहले इरेज़र को अनरैप कर लेते हैं, उसके बाद आगे की ट्रिक देखेंगे। बहुत ही इजी ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है। हमें सबसे पहले जो है इरेज़र को मेजरमेंट कर लेना है। अपने टोम्बो मोनो इरेज़र के साथ मेजरमेंट कर लेंगे हम, हमें कितना काटना है, कितना काट के इसको निकालना है। अब हमने मेजरमेंट करके अच्छे से काट लिया है। अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सीधा अपना जो टोम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र है उसको लेके जो हमने काट के निकाला है इरेज़र, उसके ऊपर पंच कर देना है। पंच करने से क्या होगा, जो कटआउट होगा वो टोम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र की रिफिल की शेप में कट जाएगा और हम उसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं अपने स्केच में हाईलाइट देने के लिए। अब मैं पेपर पे शेड करके आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ किस तरह हाईलाइट हो पाती है। जो मार्केट में रिफ़िल मिलती है उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी हाईलाइट हो पाएगी शेडिंग पे। जैसे कि आप देख रहे होंगे जो शेड है उस पर अच्छी तरह से हाईलाइट हो पा रहा है। आपको आराम आराम से स्लोली स्लोली हाईलाइट करने तो इजीली हाईलाइट हो पाएंगे अच्छी तरह से। तो अब आप ऐसे छोटे छोटे रिफ़िल बना के रख सकते हैं, जब आपको यूज़ करना हो हाईलाइट करना हो तो अब आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं इसको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपने चैनल पर आर्ट से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।